दे रहे हैं भैया, साथियों के साथ में वह पर खेल खेले पारा दे रहे हैं। इधर जब 12 साल परिचित हो गए तो 12 साल के बाद लड़की हो गए। ए अपनी बेटी अपने बेटे का नाम अपने हाथ से कभी मत रखना, अपनी बेटी और अपने बेटे का नाम अपने हाथ से कभी मत रखना, किसी साधु संत विद्वान से नामकरण करवा देना। अपने हाथ से कभी रखने से संतान सुखी नहीं रहेगी, ना मानो आगे और देख ले हो गए। अपने हाथ से ऐसे अप्पू पप्पू गप्पू लप्पू चप्पू कहे लगो, लेकिन रोसिक नाम जरूर निकलवा लो भैया। मैं आपको क्या बता रहा हूं, राजा बासु की नागनी अपनी बिटिया का नामकरण क्या किया, नामकरण रखा, नाम बोल दे 51 रुपया ब्रजेश यादव भैया नबीनगर से, 251 रुपया हमारे बिशंभर रावत भैया नबीनगर से, 100 रुपया डॉक्टर सुशील यादव नबीनगर से, हमारे डॉक्टर साहब जी की तरफ से ये 100 रुपया हमारे लिए स्पेशल। हम भगवान से कामना करते हैं ईश्वर कृपा करे जीवन मंगल में हो, और आए हुए कहाँ बैठा था इसी बैठो, आओ कोई मंचे बने इधर। प्रेम सुनो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो बांके बिहारी सरकार की। भैया मैं आपको क्या बता रहा था, 12 साल की लड़की हो गई, नांगनी ने अपने हाथ से नामकरण किया, नाम का रखा मालूम, बड़ी शुद्ध लड़की है भैया, इतनी शुद्ध। ए हमरे तुम्हारे घर की लड़की बिटिया सवली हुई है कि ना हुई है, दिन रात बेचारे घामे बयारे में काम करती, और जो लड़की कहो घर से निकलबे नकीन होए तो वही तो होबे करे शुद्धता। लड़की का नाम का है इतुरित वलती भाई ना वाला दे, बड़ी शुद्ध लड़की है भैया, बड़ी शुद्ध लड़की है। आ राजा बासो अपने घर आ रहे हैं, लड़की महल में छुपी बैठी अंटे पर बाल सुखा रही थी, बड़ी शुद्ध लड़की है। राजा बासुक नहीं जान पाए, माताओं अपने पति से झूठ बोलने का पाप देखिए, और अपने लड़की गांव की लड़की बेटी होए कोई के ऊपर गलत निगाह डालने से कितना बड़ा पाप लगता है, यह कथा तुम्हें सोच दे रही। राजा बासुक जैसे दरवाजे के सामने पहुंचे अंटे पर निगाह पहुंची, क्या देखा, बहुत हसीन खुशी नमा चेहरा, बहुत हसीन खुशी नमा चेहरा, चितवन चित समाई गई, बहुत हसीन खुशी नमा चेहरा, चितवन चित समाई गई, बहुत हसीन खुशी नमा चेहरा, मारे तीर विरह के तन में सुंदर कथा बनाई गई, मारे तीर के तन में सुंदर कथा बनाई गई, मारे तीर के तन में सुंदर कथा बनाई। राजा बासुक सोचने लगी मिटे ता जो पावे दिल जान, से उस पर कुर्बान, पिता कन्या से भोग रहो जाए, पिता कन्या से भोग रहो जाए, पतन से निकलो छोड़ चुछाए, पतन से निकलो छोड़ चुछाए। जैसे राजा बासुक ने अपनी बिटिया के ऊपर गलन निगाह डाला, राजा बासुक तुरंत कोढ़ी हो गए, जैसे कोढ़ी हो गए शरीर से पीप बहने लगा, राजा बासुक रोने लगे, बहिर पी बिगड़ी गई काया, अरसई गई नर को दिखाई, आज करी कपट सुता से। राजा बासुक ने देखा हमारा शरीर बिगड़ गया, ए चाहे हमारे आपके जीवन के सुख है भैया साथ, लेकिन सबसे बड़कवा सुख कौन हुआ है, शरीर में कोई रोग दोख ना होए, शरीर में कोई रोग दोख ना होए।
राजा बासु कोढ़ी हो गए, रोते हुए घर जा रहे हैं। नांगनी समझ गई कि मेरा, नांगनी समझ गई कि मेरा ये पति नहीं पिता है। काया कोढ़ी देख के शेष भये दिलगीर, काया कोड़ी देख के और शेष भये दिलगीर, और महलन के भीतर गए। बहे नयन से नीर, से राजा बासुक कोड़ी हो गए, रोते रोते अपने घर जा रहे। इतना बड़ा राजा बासुक रोने लगा, भैया पिता देख के सुता नवल दे चादर ओढ़ी। ऊपर से लड़की आ रही थी, इधर से राजा बासुक सामने मुलाभ्याट हो गए। अब जाए कहां, तो चादर पड़ी थी, तुरंत लेके चादर भैया, और वह जगह लेट गई। राजा बासुक ने नांगनी से कहा, ये कौन लड़की है जिसको देख के मैं कोढ़ी हो गया? शेष कहाया कौन देख में हो गयो कोढ़ी। हमारे मामा अयोध्या प्रसाद यादव जी चिल्यापुर से, हमारे मामा जी की तरफ से 20 रुपया हमारे लिए, भगवान से कामना, ईश्वर कामना करता हूं, प्रभु जी रक्षा करें। भैया राजा बासु बोला नांगनी से, मैं देवी कोढ़ी हो गया हूं। नांगनी बोली, पिया ये आपकी लड़की है। राजा बासु बोले, लड़की तूने तो कहा था मेरा गर्भ खंडित हो गया। कहा लगी भय रहा है बिटिया, अगर हम बताए इतना तो तुम जहर खाक मर जाती, तो हम की हो ही कह रही थी, या तुम्हारी बिटिया है। लेकिन महाराज ऐसे कोढ़ी भ्यो नहीं, बिटिया पर गलत निगाह सोचे हो, गलत का है घंटा खंड बिगड़ती तो ब्याह कह मनती, लेकिन बिगड़ गए गल्लेम भैया। तो नांगनी से राजा बासु बोले, यू सब बताओ ना हमका, हमका यू बतावा रहुआ, हम ठिकाइब कैसे। ए हमारी माताएं बहने कहते हैं पति से झगड़ा खूब करो, 24 घंटा में यागदा लफड़ा जरूर करो। 24 घंटा में यागदा जी के घर में लड़ाई हो, वो कोई लड़ाई गलत नहीं है। पति के साथ में जो स्त्री 24 घंटा में 4 रूप अदा करती है, वो स्त्री बगैर सेवा किए पतिव्रता कही जाती। 24 घंटा के यहां 4 भागन बांटो कत्ते भे भैया, 6 चौक 6 घंटा बाद औरत का यहां भेष बदल दे चाहिए। 4 रूप पति के सामने औरत का यहां अदा कर चाहिए, लेकिन 4 रूप नहीं अदा करती है। लखनऊ में जाकर देखो जाए तो 4 दाय कपड़ा बदल डरती है, तनिक देर पहने जींस पैंट, उसके बाद पहने हैं साड़ी रंग, हरे रंग की साड़ी, गुलाबी रंग का फूल हुए। उसके बाद ये पहरा हो नहीं समझ मावत, ये वतना लंबा पहरती है, जब चलती है तो ये मानते थे रोड पर या बेरी के झाल आ जा रही, पूरे पूरा गलियार साफ कर दे। वो का उका का कहते हैं मैजिक है, इतना कुछ कहते हैं, ध्यान नहीं है, है नहीं। 4 रूप होते हर स्त्री के, कौन कौन सुनो। अभी हमारे मास्टर साहब बता रहे थे, भोजन में नित माता के सम, भोजन जो स्त्री अपने पति को बेटा समझ के भोजन कराती है, उसके पति को 40 साल तक रतौंधी नहीं आती है। और जो ने और अपने आदमी कहे आदमी समझ भोजन करावत, 20 साल हम झुराक सोप होगी। जब तक पति भोजन करे, ये लड़कर के दो दूर हट्टा मारो जाए, आदेश मार है, इनके बिना भंडारा नहीं, मैं छुटिया जी इनका मारो जाए, धड़ाका इनका भगाओ, यस
कोई दिक्कत नहीं है, पावन लाख जी सही थे भैया। तो जो स्त्री अपने पति को बेटा समझ के भोजन कराती है उसके आदमी को 40 साल तक रतौंधी नहीं आती। काऊ का है, जितनी देर आदमी भोजन करे माताओं अपने पति को जान लो बड़कवा लौंडा है, लेकिन याद हाथे ताड़ी नहीं बाजत। जत्ता बकता जतना बाबा जतना साबा जतना डाभा जौन आवत, माताओं को पति वरता माताओं को पति वरता। लेकिन यू कोई नहीं कहते है, रामायण तो कहते है कि जब माताएं हो पति वरता तो तुम हो बनो पत्नी वरता। रामायण में लक्ष्मण बने हैं पत्नी वरता, 14 साल 12 साल तक पत्नी व्रत किया है लक्ष्मण, पढ़ लेना रामायण। या खाते ताड़ी नहीं बाजत तो या खाते संबंध कितना चली। जैसे ही भोजन करते मैं तुमका बेटा समझे तो तुम हो जो दाल चुके तो रे तू ना कहो, तुम हो दाल चुके तो बहुत प्यार से बोलो मम्मी दाल लाओ।